हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल। और आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ 4 पोर्ट VGA स्विच। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे 4 पोर्ट VGA स्विच का बॉक्स। तो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे लिखा है 4 पोर्ट VGA स्विच। और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको डिवाइस मिल जाते हैं। तो ये जो डिवाइस है, डिवाइस मैंने परचेस किया है अमेजोन से। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हूँ, तो वहाँ पे जाके अगर आप चाहते हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये डिवाइस बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है। तो अभी देखता हूँ डिवाइस का क्या क्या फीचर्स है और इसके बारे में आपका साथ डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 पोर्ट VGA स्विच है, अगर आपका कोई भी क्लिनिक होते हैं, क्या अगर आपका कोई भी शॉप होते हैं, यहाँ पे अगर आपका 3-4 PC एक साथ चल रहे हैं और उसको आप एक मॉनिटर के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्या अगर आप एक PC को अगर आप 4-5 मॉनिटर के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स का पिछले हिस्से पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे देखिए 4 PC से आप एक मॉनिटर को कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आप एक PC से आप 4 मॉनिटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर मैं अभी इसको ओपन करता हूँ, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइस, ये डिवाइस यहाँ पे आया है। और यहाँ पे देखिए 4x1 4 पोर्ट VGA स्विच वाइड स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 पोर्ट VGA यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे देखिए इन आउट का यहाँ पे स्विच, मतलब यहाँ पे जो पोर्ट है वो इन आउट का है, मतलब यहाँ पे आप मेन जो PC के साथ आपको कनेक्ट करना है वो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप 4 PC को, मतलब 4 CPU को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप एक मॉनिटर को आउटपुट दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और इसका जो स्विचिंग सेक्शन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15A4 और यहाँ पे देखिए 15 पिन का जो पोर्ट है यहाँ पे, और 4 पोर्ट मतलब पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, और 15 पिन का जो पोर्ट है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए ABCD यहाँ पे 4 स्विच यहाँ पे अवेलेबल है। तो 4 स्विच को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप एक साथ 2 स्विच को प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी एक स्विच को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे 15 पिन का जो VGA पोर्ट है वो यहाँ पे एक जो हिस्सा है, एक हिस्सा मैं यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ, जो मेरा इनपुट सेक्शन है, मतलब यहाँ पे मैं एक CPU के साथ 2 मॉनिटर को मैं अटैच करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक हिस्से को यहाँ पे जो इन आउट का जो सेक्शन है, यहाँ पे इन आउट का जो पोर्ट है यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है। और उसका दूसरा वाला जो हिस्सा है, दूसरे वाला हिस्सा को मैं CPU के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो पिन है, पिन को अटैच कर देता हूँ। बस अटैच हो गया है। हाय फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं मेरा यहां पे 2 मॉनिटर हैं। तो 2 मॉनिटर के साथ मैं ऑलरेडी यहां पे 2 जो VGA कॉर्ड है वो यहां पे अटैच कर दिया है, 2 मॉनिटर के साथ अटैच है ऑलरेडी, और 2 मॉनिटर पे पावर भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां पे ये जो 2 जो VGA पिन है, मतलब VGA कॉर्ड है, इसको मैं यहां पे अटैच करने वाला हूं। दो कोई भी मतलब पोर्ट पे आप यहां पे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अटैच कर देता हूं अभी। तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे पोर्ट का यहाँ पे नेम यहाँ पे दिया है, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी है। तो यहाँ पे मैं ABCD के हिसाब से यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2 मॉनिटर है, तो इसीलिए मैं एक मॉनिटर को ए पोर्ट जो है वहाँ पर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको अटैच कर देता हूँ। तो सब आपको यहाँ पे अटैच करना है, और दूसरा जो पोर्ट है दूसरे को मैं यहाँ पे बी पे अटैच कर देता हूँ। बस यही आपका करना है। और यहाँ पे कोई भी पावर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 2 मॉनिटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 2 मॉनिटर यहाँ पे अटैच हो गया है, और उसके साथ मेरा CPU भी कनेक्टेड है। अभी मैं यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे जो स्विच है, यहाँ पे स्विच को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ए जब भी मैं प्रेस करूँगा तो मेरा ए वाला जो मॉनिटर है वो मॉनिटर ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा ए वाला जो मॉनिटर है वो ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। और जब भी मैं बी प्रेस करूँगा तो ए वाला बटन बंद हो जाएगा, और ए बटन मतलब ए जो मॉनिटर है, मतलब बी वाला जो मॉनिटर है वो मॉनिटर ऑन हो जाएगा। देखिए
देखिए ये बी वाला जो मॉनिटर है वो ऑन हो चुका है और ए वाला जो मॉनिटर है वो बंद हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी अगर आप दो मॉनिटर एक साथ अगर आप मतलब यहाँ पे शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आपको दो जो बटन है यहाँ पे ए और बी वाला जो बटन है ये दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक साथ प्रेस किया तो दो मॉनिटर यहाँ पे एक साथ ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको दो मॉनिटर एक साथ चलाना है तो आपको ऐसे ही तरह यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे बिंदास दो मॉनिटर यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और यहाँ पे ब्यूटीफुल मेरा यहाँ पे माउस, अगर यहाँ पे देखिए माउस को मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ और कोई भी अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे तरह आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। और ये जो स्विच है, ये स्विच एकदम मतलब बिना पावर के चलते हैं, सिर्फ आपका पीसी का जो ये है यहाँ पे स्विचिंग करते हैं, तो यहाँ पे पावर का कोई ज़रूरत नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में और एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको चार मॉनिटर की ज़रूरत नहीं होते हैं, अगर आपको दो मॉनिटर से अगर आपको मतलब हो जाते हैं काम, तो आपको वो जो डिवाइस मैंने दिखाया वो डिवाइस को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो चीज़ है, ये जो कन्वर्टर है, इसको मतलब ये एडाप्टर है, इसको आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे मेल फीमेल एडाप्टर है यहाँ पे, और एक है आपका मेल एडाप्टर, ठीक है। तो ये अगर आप ख़रीद लेते हैं तो आपको काम चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है आपका सीपीयू के साथ, ठीक है। और उसके बाद आप ये जो दो मतलब एडाप्टर है इसको आपको दो मॉनिटर के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको सेम ही जो आउटपुट है वही आउटपुट आपको देगा। तो आपको इससे ही आपको काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरा वीडियो का नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर हूँगा। तब तक लिए गुड बाय।